हेलो स्टूडेंट्स सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस द एक्स्ट्रा क्वेश्चंस ऑफ़ द लेसन, अ बैड ड्रीम. सी द क्वेश्चन नंबर वन, हाउ डिड जॉर्ज हिल्स बैड ड्रीम चेंज हिज बिहेवियर डू यू थिंक इट वाज़ रियली अ बैड ड्रीम जॉर्ज हिल के बुरे सपने ने कैसे उसके बिहेवियर को चेंज कर दिया क्या आपको लगता है कि ये सच में एक बैड ड्रीम था बुरा सपना था आंसर जॉर्ज हिल हैड अ बैड ड्रीम इन विच ही टू रिजाइन फ्रॉम हिज जॉब एंड फाइंड अ न्यू वन जॉर्ज हिल ने एक बैड ड्रीम बुरा सपना देखा जिसमें उसको कहा गया कि वो अपनी जॉब को छोड़ दे रिजाइन कर दे और एक नई जॉब ढूंढ ले दिस मेड हिम रियलाइज

पुट हिमसेल्फ इन द बूट्स ऑफ एनी इस लाइन का मीनिंग है अपने आप को एनी की जगह रखकर सोच सकता था अब वो अपने आप को एनी की जगह रखकर सोच सकता था ही रियलाइज्ड उसे महसूस हुआ दैट ही वॉज गोइंग टू डू रॉन्ग टू एनी बाय sacking हर उसे महसूस हुआ उसे रियलाइज हुआ कि एनी को जॉब से निकाल निकालते हुए वह उसके साथ बुरा करने जा रहा था अगर वह उसे जॉब से निकाल देता तो उसके साथ बहुत बुरा होता एनी के साथ बुरा हो जाता दिस बैड ड्रीम चेंज दिस बैड ड्रीम चेंज हिज सेल्फ द सेल्फिश एरोगेंट एंड इनसेंसिटिव मिस्टर हिल इन टू अ काइंड कंसिडरेट एंड सेंसिटिव मैन इस बैड ड्रीम ने सेल्फिश एरोगेंट और इनसेंसिटिव मिस्टर हिल को एक काइंड कंसिडरेट एंड सेंसिटिव मैन में बदल दिया दिस ड्रीम प्रूव्ड टू बी गुड ड्रीम फॉर एनी दिस ड्रीम प्रूव्ड टू बी गुड फॉर एनी यह सपना एनी के लिए अच्छा गुड साबित हुआ दिस एनी मिसिज हिल एंड मिस्टर हिल हिमसेल्फ दिस ड्रीम सी अगेन दिस ड्रीम प्रूवड टू बी गुड फॉर एनी मिसिज हिल एंड मिस्टर हिल हिमसेल्फ यह सपना एनी के लिए मिस्टर हिल के मिसिज हिल के लिए और मिस्टर हिल के लिए भी सही सच जो है गुड साबित हुआ एक अच्छा सपना साबित हुआ एनी के लिए कैसे अच्छा सही साबित हुआ ये गुड कैसे था ये ड्रीम क्योंकि एनी की जॉब बच गई मिसेस हिल के लिए क्योंकि मिसेस हिल एनी के लिए बहुत कंसीडर थी बहुत वरिड uh, थी तो उनके लिए भी ये गुड ड्रीम था और मिस्टर हिल के लिए गुड ड्रीम क्यों था क्योंकि वो एक काइंड और कंसिडरेट मैन सेंसिटिव मैन बन गई तो ये एक बैड ड्रीम नहीं था नेक्स्ट क्वेश्चन कंपेयर एंड कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ मिस्टर हिल विथ दैट ऑफ मिसिज हिल मिस्टर हिल का कैरेक्टर और मिसिज हिल के कैरेक्टर को आपने कंपेयर करना है मिस्टर हिल एंड मिसिज हिल आर पोल्स अपार्ट पी ओ एल ई एस पोल्स अपार्ट इसका मीनिंग होता है टोटली डिफरेंट पोल्स अपार्ट जैसे अगर उनमें से एक नॉर्थ पोल कहा जाए तो दूसरा साउथ पोल Means, बिल्कुल ही एक दूसरे से अलग है उनके कैरेक्टर इन देर नेचर उनकी नेचर बिल्कुल अलग हैस रथलेस एंड अनकेयरिंग मिसेस हिल काइंड कंसिडरेट और कंपैशनेट है दूसरों की केयर करने वाली कंपैशनेट दूसरों के दूसरों के लिए सहानुभूति रखने वाली जबकि मिस्टर हिल थॉटलेस है सोच समझ नहीं सकते रथलेस हैं बहुत ही रूड है अपने बिहेवियर में और अनकेयरिंग है किसी की केयर नहीं करते परवाह नहीं करते ही इज वर्ड ओनली अबाउट प्लीजिंग हिज कस्टमर्स एंड प्रोमोटिंग हिज बिजनेस सिर्फ अपने कस्टमर्स को खुश करने में प्लीजिंग मीन खुश करने में अपने कस्टमर्स को खुश रखना और अपने बिजनेस को बढ़ावा देना सिर्फ इन्हीं चीजों के बारे में वरिड हैं इन्हीं बातों को सोचते हैं कि कैसे उनके कस्टमर्स खुश रहेंगे कैसे वो अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं अपने बैंक को और ऊंचा उठा सकते हैं ही इवन डिसाइड्स टू सैक एनी एंड अपॉइंट न्यू कुक इन हर प्लेस वो तो एनी को भी जॉब से निकालने के डिसीजन ले लेते हैं और उसकी जगह पे नया कुक अपॉइंट करने की सोचते हैं ही इज क्वाइट अन अवेयर अन अवेयर जिसको बिल्कुल भी परवाह नहीं है ही इज क्वाइट अन अवेयर ऑफ द प्रॉब्लम्स दैट एनी विल हैव टू फेस इन फाइंडिंग अ न्यू जॉब उन्हें तो इस चीज इस बात का पता भी नहीं है कि एनी को एक नई जॉब ढूंढने में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ेगा However, his हिज बैड ड्रीम him a हिम अ लेसन उनका बुरा सपना उनको एक सबक सिखाता है एंड ही changes his हिज़ और वो अपने तौर तरीके बदल लेते हैं Annie's sympathetic एटीट्यूड touches his हिज़ हार्ट और एनी का जो सहानुभूति भरा व्यवहार है वो उनके दिल को छू जाता है एंड ही इज़ completely ट्रांसफॉर्म्ड और वो पूरी तरह से बदल जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन वट शॉर्ट राइट अट नोट इम्पोर्टेंस ऑफ बींग रखना दयालु होना और दूसरों की परवाह करने की क्या इम्पोर्टेंस है सो योर आंसर शुड भी एक पैराग्राफ शॉर्ट नोट लिखना है या पैराग्राफ तो काइंडनेस इज अ वर्च्यू टाइटल बनाएंगे हम सबसे पहले काइंडनेस इज अ वर्च्यू दयालुता एक अच्छा गुण है वर्चु अच्छे गुणों को कहते हैं। हैं। से हम complete human being बनते इफ वी आर काइंड टू अदर्स अदर्स विल बी काइंड टू अस अगर हम दूसरों के प्रति काइंडनेस रखेंगे तो दूसरे भी हमारे प्रति काइंड होंगे बींग विन्स मैनी फ्रेंड्स अगर हम काइंड कंसिडरेट और सेंसिटिव हैं तो हमें बहुत सारे दोस्त मिल जाते हैं हमारे काइंडनेस हमारा कंसिडरेट होना और सेंसिटिव होना हमें बहुत सारे दोस्त बनाने में हेल्पफुल होता है काइंडनेस गिव्स अ सूदिंग इफेक्ट सूदिंग मीन्स जो हमें बहुत अच्छा लगता है ऐसा प्रभाव डालती है काइंडनेस वी मस्ट बी काइंड टू दोज हु आर ट्रबल्ड एंड डिस्ट्रेस्ड जो पर्सनस मुसीबत में हैं या डिस्ट्रेस्ड हैं बेचारे हैं जिनके पास कोई जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं मजबूर हैं डिस्ट्रेस्ड होते हैं मजबूर जो परेशान हैं या मजबूर हैं हमें उनके प्रति काइंड होना चाहिए मिस्टर हिल वॉज रूड एंड अनकाइंड टू एनी बट लेटर

एंड बी काइंड टू अदर्स हमें इस कहानी से सबक सीखना चाहिए और दूसरों के प्रति काइंड होना चाहिए दयालु होना चाहिए सो दीज वर द एक्स्ट्रा क्वेश्चन यू विल राइट दीज क्वेश्चन ऑल्सो इन योर नोटबुक्स थैंक यू